नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं अंजलि साहा ट्रैवल चैनल। दोस्तों, आज हम आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलोरा केव दिखलाने ले चल रहे हैं, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। तो चलिए केव की ओर चलते हैं। औरंगाबाद से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एलोरा की गुफाएं विश्व प्रसिद्ध हैं। चट्टानों को काटकर बनाई गई इन गुफाओं को विश्व के सबसे बड़ी गुफाओं में से एक माना गया है। इन गुफाओं के निर्माण का काल 4 शताब्दी से 12 शताब्दी के बीच करीब 900 वर्षों का है। एलोरा गुफा का प्राचीन नाम एलापुरा अंचल या बेरूत था। यहाँ की गुफाएं राष्ट्रकूट चित्रकला कहलाती हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्रकूट शासकों के समय 752-53 से 973 ईस्वी तक इनका शासन काल था, तभी एलोरा की गुफाओं का निर्माण का कार्य हुआ होगा। इस काल में बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के अनुयायी यहाँ रहते रहे होंगे। दोस्तों, ये जो एलोरा की गुफाएं हैं, ये 34 गुफाओं का समूह है, जिसमें से 1 से 12 तक की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म को समर्पित हैं, 13 से 29 तक की गुफाएं जो हैं वो हिंदू धर्म को समर्पित हैं, और 30 से 34 तक की गुफाएं जो हैं वो जैन धर्म को समर्पित हैं। लेकिन इन सभी गुफाओं में जो सबसे प्रमुख और आकर्षक है वो 16 नंबर की हिंदू धर्म की जो गुफा है वो है। तो चलिए पहले इस गुफा की ओर चलते हैं। एलोरा के 16 नंबर के केव को कैलाश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। विशेषता यह है कि इस मंदिर को केवल एक ही चट्टान से तराश कर काट कर बनाया गया है और ये 3 मंजिला मंदिर है। सप्ताह भर में केवल मंडे के दिन ही ये गुफाएं बंद रहती हैं। प्रवेश के लिए यहाँ पर बहुत नॉमिनल टिकट है। कैमरा वगैरह अगर है तो उसके लिए भी बहुत ही नॉमिनल टिकट है, तो आप आराम से इन गुफाओं को घूम सकते हैं। शिव को समर्पित इस मंदिर में शिव और पार्वती की अनेकों कलाकृतियां दीवारों पर अंकित हैं। शिवलिंग है, इसके अलावा मंदिर का जो आंगन का परिसर है वहां पर नंदी विराजमान है, और हिंदू धर्म के और भी बहुत से देवी देवता यहाँ पर दीवारों पर उकेरे गए हैं। अगर आप इन केव में घूमने के लिए जाते हैं और इन मूर्तियों को और अच्छी तरीके से समझना है तो यहाँ पर हर भाषा में गाइड उपलब्ध है, तो आप अपनी भाषा के अनुसार से यहाँ गाइड ले सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और दूसरी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी यहाँ पर गाइड मिल जाते हैं। औरंगाबाद देश के सभी प्रमुख नगरों से हवाई, रेल और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर हर तरह के होटल ठहरने के लिए उपलब्ध हैं, लोअर से लेकर हायर बजट तक के लिए। औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर एलोरा की गुफाओं तक पहुँचने के लिए टैक्सी और बस सर्विसेज भी हैं। यहाँ पर आने के लिए सबसे अच्छा समय सर्दियों का होता है। दोस्तों, ये गुफाएं जो हैं स्थापत्य कला की अद्भुत और अनोखी मिसाल हैं। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी हम आपको कहीं और ले चलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।